Hello and good evening, everyone. My name is Vandika Lamba. Welcome to Aircruise Aviation Private Limited. Today, we're going to talk about our aviation terminology. Aviation terminology means, जब भी हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट स्टाफ और एयरपोर्ट वर्कर्स जो वो लैंग्वेज यूज करते हैं उसके बारे में वी गोना टीच अबाउट यू. And this video is very beneficial for all those who are like first time travelers or for those who are into aviation management or who are studying aviation. आपने देखा होगा बहुत बार जब भी हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो employees या कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो हमें पता ही नहीं होते. So today we gonna talk about 40 words which are used in aviation. So next time जब भी आप एयरपोर्ट जाएंगे after this video, जब whenever you gonna travel, it will be very easy for you to understand कि ये सब क्या बात कर रहे हैं and it will be easy for you to travel. The first word which is terminal. Terminal is your airport building. You must have seen बड़ी cities में बहुत सारे terminal buildings होते हैं like terminal 1, terminal 2 and terminal 3. अलग अलग टर्मिनल्स इसके बनाए जाते हैं सो दैट एक ही टर्मिनल बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा पैसेंजर्स की भीड़ और एयरक्राफ्ट की भीड़ इकट्ठी ना हो, इसीलिए अलग टर्मिनल्स बनाए जाते हैं. और कुछ सिटीज में टर्मिनल्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का टर्मिनल अलग होता है. क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक पे आपका कस्टम्स इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, वेर इन डोमेस्टिक पे आपका कस्टम्स इमिग्रेशन की कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, इसीलिए ये टर्मिनल अलग अलग बनाए जाते हैं. और व्हेनेवर यू हैव सीन, जब भी आप अपने टिकट खरीदते हैं तो यू मस्ट हैव सीन आपकी टिकट के ऊपर टर्मिनल नंबर लिखा होता है, लाइक योर फ्लाइट विल डिपार्ट फ्रॉम टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 और 1D, लाइक दिल्ली में इट इज लाइक 1D. सो जब भी आप अपनी फ्लाइट लें तो यू शुड ऑलवेज चेक योर टर्मिनल बिल्डिंग टू अवॉइड द चांसेस ऑफ मिसिंग योर फ्लाइट. सेकंड इज योर डिपार्चर गेट. डिपार्चर गेट वो होता है जिससे हम एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं. अराइवल्स होता है जिससे हम बाहर आते हैं. डिपार्चर्स इज जिससे हम अंदर जाते हैं. वहां पे एक CISF होते हैं जो हमारी टिकट, पासपोर्ट, हमारे ID हमारे चेक करते हैं. आफ्टर वेरीफाइंग आवर डॉक्यूमेंट्स the CISF people let us in. Okay, this is your departure gate. Your third is your check-in. Check-in means जब आप अपनी टिकट लेके किसी एयरलाइन काउंटर पे जाते हैं, आप अपनी उनको टिकट देते हैं, जो भी एयरलाइन का जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो आपको बोर्डिंग कार्ड देते हैं, आपका बैगेज देते हैं, वो आपसे आपकी सीट पूछते हैं, आप कौन सी सीट पे बैठना चाहेंगे, आपका बैग चेक इन होता है, तो सारे प्रोसीजर को चेक इन बोला जाता है. चेक इन काउंटर इज जिस काउंटर पे आप होते हैं एक एयरलाइन काउंटर पे, उसे चेक इन काउंटर बोला जाता है. जब भी आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं यू मस्ट हैव सीन देयर आर लॉट ऑफ फ्लाइट्स. ओके, लाइक यू मस्ट हैव सीन विस्तारा, स्पाइसजेट, सो एवरीवन हैज देयर ओन काउंटर्स. तो आप स्क्रीन पे चेक करते हैं कि मेरी स्क्रीन आप स्क्रीन पे चेक करते हैं कि मेरी ये रिस्पेक्टिव एयरलाइन का काउंटर किधर है, तो वहां पे आपका लिखा होता है रो ए, रो बी, रो सी, तो उसको देख के आप अपने चेक इन काउंटर पे जाके अपना चेक इन करवाते हैं. नेक्स्ट इज योर चेक इन बैगेज. जब भी हम ट्रैवल करते हैं हमारे पास दो बैग्स होते हैं, एक होता है हमारा चेक इन बैगेज और दूसरा होता है हमारा हैंड बैगेज. चेक इन बैगेज वो होता है जिसमें हमारा ज्यादा सामान होता है जो एक एयरलाइन के थ्रू हमें अलाउ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एयरलाइंस अलाउ यू 15 केजेस ऑफ बैगेज. ओके, सो दैट इज योर मेन स्टफ विच यू कैरी, जो एयरलाइन आपसे लेती है. और जब आप अराइवल्स में पहुंचते हैं किसी भी सिटी में, वो वहां पे आपको आपका सामान दिया जाता है. नेक्स्ट इज योर हैंड बैगेज, जिसमें आप अपनी टॉयलेट्रीज, अपना नेसेसरी आइटम्स रखते हैं, यू नो हैंड क्रीम, ऑल हैंड टॉवल, वट एवर स्टफ यू वॉन्ट टू कैरी इन योर हैंड बैगेज, वो आपका हैंड बैग हो जाता है, जो आप अपने साथ फ्लाइट में, फ्लाइट के अंदर लेके जा सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे चेक इन बैगेज की भी एक लिमिटेशन होती है, उसी तरह हैंड बैगेज की भी लिमिटेशन होती है, विच इज अराउंड 8 to 10 kg.
उससे अगर ज्यादा होता है तो यस एयरलाइंस हैव द फुल अथॉरिटी टू चार्ज फॉर द हैंड बैगेज एज वेल। एंड प्लीज रिमेम्बर, जब भी आप हैंड बैगेज लें, इसमें कोई भी आपके शार्प आर्टिकल्स, कोई भी आपके लिक्विड आइटम्स मोर देन 100 ml नहीं होने चाहिए, बिकॉज विच इज नॉट अलाउड। 100 ml से ऊपर कोई भी चीज होती है, लिक्विड आइटम स्पेशली परफ्यूम और यू कैन से अ वाटर बॉटल, अ मिल्क बॉटल, दैट इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी में आपको नहीं लेके जाना दिया जाएगा, मे बी यू हैव टू थ्रो इट। एंड देर आर ऑल अदर आइटम्स एज वेल विच आर रिस्ट्रिक्टेड इन द हैंड बैगेज। योर सेवेंथ वर्ड इज बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास इज समथिंग विच इज गिवन टू यू बाय द एयरलाइन। जब आप चेक इन करवाने जाते हैं, आप उन्हें अपनी टिकट देते हैं और एयरलाइन आपको रिटर्न में ये बोर्डिंग कार्ड देती है, जिसमें आपका नाम, आपकी फ्लाइट नंबर, डेट, सेक्टर, किस गेट से आपने इस फ्लाइट को पकड़ना है, ये सब आपका लिखा होता है विद योर एयरलाइन नेम। और आप किस कैबिन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप बिजनेस क्लास में है या इकोनॉमी क्लास में है, ये आपका बोर्डिंग कार्ड पे सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। प्लीज रिमेम्बर, बोर्डिंग कार्ड के बिना आप एयरक्राफ्ट में बोर्ड नहीं कर सकते। जब आप चेक इन काउंटर से ये बोर्डिंग कार्ड लेते हैं, आप सिक्योरिटी गेट पे जाते हैं, सिक्योरिटी इस पे स्टैंप लगाती है, सिक्योरिटी स्टैंप लगाती है, और यही बोर्डिंग कार्ड आप बोर्डिंग गेट पे जो सीएसएस अवेलेबल होते हैं उनको दिखाते हैं। इफ इन केस, नाउ लेट्स सपोज आप अगर ये बोर्डिंग कार्ड खो देते हैं, लेट्स से आप लाउंज में हैं, वॉशरूम गए हैं, व्हाटएवर, तो अगर आप खो देते हैं तो क्या होता है, तो आप हमेशा एयरलाइन स्टाफ को, जो भी आपके रिस्पेक्टिव एयरलाइन है, आप उसे कॉन्टैक्ट करिए एंड देन दे हेल्प यू टू गेट योर बोर्डिंग कार्ड। फर्स्ट ऑब्वियसली दे फाइंड, दे मेक अ सर्च ऑफ योर बैगेज, लाइक आप लास्ट कहाँ गए थे। इफ इन केस दे आर अनएबल टू फाइंड इट, तो फिर बोर्डिंग कार्ड दोबारा से प्रिंट करवा के और दोबारा से सिक्योरिटी की स्टैम्प करवा के आपको दिया जाता है, जिससे कि आप बोर्ड कर सकें। नेक्स्ट इज योर हैंड बैगेज टैग। जैसे मैंने आपको बताया, आप हैंड बैगेज में अपना जरूरी सामान लेके जाते हैं। वेन एवर यू पास अ सिक्योरिटी, ओके, सो द सिक्योरिटी फर्स्ट फ्रिस्क यू, ओके, दे विल स्कैन यू कि आपके पास कोई मेटल आर्टिकल्स या they check because they want to make sure that you are not a threat to the airline. Okay, so this is done for the safety of airline, for the safety of aviation, and for the safety of the passengers. So when they frisk you, आपका जब आपको frisk किया जाता है, तो आपके boarding card पे stamp लगी जाती है कि आपकी security की frisking हो चुकी है, plus आपका hand baggage बेल्ट पे डाला जाता है। और जब आप दूसरी साइड से अपने बैगेज को लेते हैं, तो ये हैंड बैगेज टैग होता है जिसपे वो स्टैंप लगाते हैं, मीन्स कि उन्होंने आपका हैंड बैगेज भी चेक कर लिया है। इफ इन केस कोई ऐसी आइटम आपके बैग में से निकलती है, लेट्स से सीजर निकलती है या एनीथिंग, जो भी शार्प आर्टिकल जो अलाउड नहीं है, देन दे आस्क यू टू ओपन योर बैगेज एंड थ्रो इट। ओनली आफ्टर दैट, जब आप सारी जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं, जब आप उन्हें फेंक देंगे, सिर्फ उसी के बाद ही आपकी सिक्योरिटी का स्टैम्प सिक्योरिटी आपके बैग पे लगाती है। योर नाइन्थ वर्ड इज चेक इन टैग एंड स्टफ। जब आप अपना बैग चेक इन काउंटर पे देते हैं, तो आपका जो मेन बैग है, जो हमारा चेक इन बैग है, चेक इन बैग के ऊपर आपका ये मेन टैग लगता है, जिसको हम चेक इन टैग कहते हैं। एंड Obviously, now you need a receipt of it. जो एयरलाइन ने आपके बैग के ऊपर चेक इन का टैग लगाया है, ये टैग तो बैग पे लगाएंगे और वो बैग चला जाएगा और आपको अराइवल्स में मिलेगा, बट देन यू शुड ऑल्सो हैव अ रिसीप्ट ऑफ इट, राइट? सो उस रिसीप्ट को स्टब बोला जाता है। सो दिस विच इज देयर इन द थर्ड पिक्चर, ये छोटा वाला जो स्टब है, ये आपके बोर्डिंग कार्ड के पीछे लगाया जाता है, सो दैट जब भी आप अराइवल्स में पहुंचे, इफ इन केस अनफॉर्चुनेटली आपका बैग अगर मिसप्लेस होता है या डिलेड होता है, तो यू शुड हैव अ रिसीप्ट कि मेरे इस बैग का ये नंबर है, सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट योर एयरलाइन। आप उन्हें ये रिसीप्ट देते हैं एंड देन द ऑनवर्ड प्रोसेस स्टार्ट। नेक्स्ट इज योर कार्गो होल्ड। जो हमारे चेक इन बैग होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, उसको हम कार्गो होल्ड कहते हैं, कार्गो होल्ड, और यू कैन से compartment also, okay? So this is the picture which shows कि आपके जो main check-in bags होते हैं, वो उनको cargo hold बोला जाता है। यहाँ पे सारे bags आपके load होते हैं और arrivals में आपको
यहीं से अनलोडिंग होके फिर आपको अराइवल टर्मिनल पे मिलते हैं। इज योर सिक्योरिटी चेक, आई जस्ट मेंशन, जब भी आप सिक्योरिटी क्लियर करते हैं उस एरिया को सिक्योरिटी चेक बोला जाता है। यहाँ पे आपकी फ्रिस्किंग, आपके बैगेज की फ्रिस्किंग करके स्टैंप लगा के ही आपको रिलीज किया जाता है। सेकेंड इज योर ड्यूटी फ्री शॉप। ड्यूटी फ्री शॉप जब आप सिक्योरिटी क्लियर करेंगे उसके बाद बहुत सारी आपको ड्यूटी फ्री शॉप्स मिलती हैं, वेयर यू कैन शॉप एंड लॉट ऑफ यू नो ब्रांडेड ब्रांडेड शोरूम्स आर देयर, सो यू कैन बाय एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, यू हैव टाइम, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, सो यस यू कैन इजीली शॉप देयर। सो दीज आर नोन एज योर ड्यूटी फ्री शॉप विच इज बिफोर योर बोर्डिंग गेट। बोर्डिंग गेट पे जाने से पहले जो भी एरिया होता है वहाँ पे ये सारी शॉप्स होती हैं। देन इज योर बोर्डिंग गेट, जहाँ से आप अपनी फ्लाइट बोर्ड करते हैं। बहुत सारे पीपल लोग पैसेंजर्स इस डिपार्चर गेट और बोर्डिंग गेट में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। डिपार्चर गेट आपका होता है जिस गेट से आप एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं, और बोर्डिंग गेट होता है जहाँ पे आपकी फ्लाइट लगी होती है और जहाँ पे आप चेक इन सिक्योरिटी करने के बाद फाइनली लास्ट स्टेप आप जब बोर्ड करते हैं उसे बोर्डिंग गेट बोला जाता है। जहाँ पे आप अपना बोर्डिंग कार्ड शो करते हैं, एयरलाइन का स्टाफ होता है, बोर्डिंग कार्ड देखने के बाद वो आपको फ्लाइट पे बोर्ड करने के लिए अलाउ करते हैं। 14th वर्ड इज लाउंज। लाउंज जो है ये एयरपोर्ट की और एयरलाइन की एक फैसिलिटी होती है जो ज्यादातर बिजनेस क्लास और प्लैटिनम या गोल्ड कार्ड पैसेंजर्स को दी जाती है। ये वो फैसिलिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्लाइट में बहुत टाइम है, 2-3 घंटे हैं, यू आर टायर्ड और यू वांट टू टेक रेस्ट, यू डोंट वांट टू गो इन ड्यूटी फ्री व्हाटएवर, सो यू कैन इजीली गो टू द लाउंज। एंड फॉर बिजनेस क्लास गोल्ड एंड प्लैटिनम दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, यू जस्ट नीड टू शो योर बोर्डिंग कार्ड एंड यू कैन अवेल। सो द लाउंज पीपल दे सर्व यू रिफ्रेशमेंट, यू कैन हैव बुक्स मैगजीन्स लाए देयर जब तक आपके पास टाइम है, और फिर जब आपकी बोर्डिंग होती है तो लाउंज में एक प्रॉपर एयरलाइन की तरफ से एक अनाउंसमेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल जो जो यात्री दिल्ली मुंबई की फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं वो वट एवर जो भी उनका गेट होता है उसके लिए प्रस्थान करें, तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट लाउंज में इन पैसेंजर्स के लिए की जाती है, मोस्टली एज आई जस्ट टोल्ड यू बिजनेस प्लैटिनम एंड गोल्ड कार्ड। 15th वर्ड इज कैबिन। जब हम एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं तो हमारे क्लासेस होती हैं जिसमें भी आप टिकट खरीदते हैं, बिजनेस, इकोनॉमी या फर्स्ट क्लास। तो उस कैबिन को यू कैन सी इन द पिक्चर, द फर्स्ट वन यू कैन सी हाउ द सीट्स द सर्विस। सो इस पर्टिकुलर सेक्शन को कैबिन किया जाता है, कैबिन बोला जाता है, फर्स्ट क्लास कैबिन, बिजनेस क्लास कैबिन एंड योर इकोनॉमी क्लास कैबिन। योर नेक्स्ट वर्ड इज कैबिन क्रू, और जिसको हम फ्लाइट अटेंडेंट भी कहते हैं। कैबिन क्रू होती हैं जो हमारी पूरी यात्रा में हमारी मदद करती हैं, हमारी रिफ्रेशमेंट और जो हमारी सेफ्टी का ध्यान रखती हैं। योर 17th वर्ड इज पायलट, फर्स्ट ऑफिसर एंड द सेकंड ऑफिसर। पायलट इज द वन हु इज द मेन कमांडर ऑफ द फ्लाइट, जो आपका हवाई जहाज उड़ाता है। फर्स्ट ऑफिसर वो होता है जो पायलट की हेल्प करते हैं, जिनकी सीट राइट होती है, एंड द मेन कमांडर इज ऑलवेज सिट्स ऑन द लेफ्ट। सेकंड ऑफिसर वो होता है जो हमेशा लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, उसमें हमेशा 3 कैप्टन मौजूद रहते हैं। योर नेक्स्ट वर्ड इज मील्स। मील्स इज, वी डोंट से एयरक्राफ्ट फूड, ओके, वी से मील्स। योर मील्स इज समथिंग जो आपको एयरक्राफ्ट में सर्व किया जाता है, जिसको आप रिफ्रेशमेंट्स भी कहते हैं। ये जो मील्स होती हैं ये आपकी क्लास, आपकी जो बुकिंग क्लास है उस पर बहुत डिपेंड करती हैं। इकोनॉमी क्लास की मील्स का जो मेन्यू होता है और बिजनेस क्लास की मील्स का जो मेन्यू होता है वो एंटायरली डिफरेंट होता है। इकोनॉमी क्लास का मेन्यू जो होता है वो एक एयरलाइन के थ्रू फिक्स्ड होता है। ओके, यू कैन नॉट चूज कि मुझे ये खाना है या मुझे वो खाना है, लेकिन बिजनेस क्लास में आपको एक मेन्यू दिया जाता है। जैसे कि हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहां पे बिजनेस क्लास पैसेंजर्स दे कैन ऑर्डर दैट आई वांट टू, ऑब्वियसली दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट यस यू कैन से आउट ऑफ 4-5 आइटम्स
their business class passengers can choose what they want to eat. Your next word is aisle seat. Aisle seat वो होती है जो आपके corridor के साथ होती है, so that आप आसानी से उठ सकें वॉशरूम के लिए या किसी और सर्विस के लिए, ताकि आपको अपने जो आसपास के जो पैसेंजर्स हैं आपको उनको उठाना ना पड़े. इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट अप एंड सिट. सेकेंड इज योर विंडो सीट. विंडो सीट जो होती है, जो आपकी खिड़की के पास की सीट होती है, उसे विंडो सीट बोला जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज योर इमरजेंसी एग्जिट रो एंड योर सीट. इमरजेंसी एग्जिट रो और सीट. रो मतलब इस इमरजेंसी एग्जिट रो, ये पूरी जो तीन सीटें इस रो में हैं, इस उसको रो बोला जाता है. और सीट मीन्स ये जो तीन सीट्स आप देख रहे हैं इनको सीट बोला जाता है. ये उन लोगों को दी जाती है जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, जो कि इमरजेंसी फंक्शंस परफॉर्म कर सकें. अनफॉर्चुनेटली इफ इन केस पैसेंजर्स को अगर कोई इमरजेंसी फंक्शन परफॉर्म करना हो, या लेट्स से कोई इमरजेंसी होती है फ्लाइट पे, तो ये जो पैसेंजर्स हो, जो ये यहाँ पे जो तीन पैसेंजर्स हो, ये इस इमरजेंसी गेट को टाइमली खोल सकें और बाकी सारे पैसेंजर्स को हेल्प कर सकें इस एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने के लिए. इसलिए अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर आप बच्चे हैं, तो ये सीट आपको एयरलाइन या ग्राउंड स्टाफ आपको नहीं देगा बैठने के लिए. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इमरजेंसी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यू नीड टू बी फिजिकली फिट. नेक्स्ट इज योर ओवरहेड कंपार्टमेंट. ओवरहेड कंपार्टमेंट मीन्स जहाँ पे आप अपना हैंड बैगेज रखते हैं उसे ओवरहेड कंपार्टमेंट बोला जाता है. आपने जब मैं भी छोटी थी हम भी ऐसे बोलते थे कि बैग ऊपर रख दो, बैग ऊपर रख दो. सो दैट इज नॉट अ करेक्ट वोकैबुलरी. यू मस्ट से ओवरहेड कंपार्टमेंट, जहाँ पे आप अपने हैंड बैग रखते हैं जो आपकी सीट के राइट ऊपर होता है. योर नेक्स्ट वर्ड इज योर सीट बेल्ट. ओके, तो जब भी हम टेक ऑफ या लैंडिंग करते हैं, ये हमारी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट होता है जो हमें बांधना होता है. और जब भी हम बांधने को हमेशा एविएशन इंडस्ट्री में बोला जाता है फासन, इंग्लिश में फासन सीट बेल्ट, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए. राइट, आपने बहुत बार ये सुना होगा उनके मुंह से, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए. एंड इट इज यूजुअली डन एट द टाइम ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ. ओके, फॉर द सेफ्टी पर्पस. नेक्स्ट इज योर फ्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट. जो आपने देखा होगा व्हेनेवर यू हैव ट्रैवल, क्रू जो होता है वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं हाउ टू यू नीड टू यूज द ऑक्सीजन मास्क. द फ्लाइट सेफ्टी मैनुअल्स जो होते हैं फ्लाइट पे वो आपको पढ़ के बताती हैं. एंड दे गिव यू अ बॉडी लैंग्वेज. वो मेन सीट पे खड़े होके आपको बताते हैं कि आपको सीट कैसे बांधनी है और कैसे खोलनी है. ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस को फ्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट बोला जाता है. नेक्स्ट इज योर फ्लाइट मैनुअल. एज आई जस्ट टोल्ड यू, ये फ्लाइट मैनुअल होता है, ये आपकी एकदम सीट के सामने पड़ा होता है. इट इज लाइक अ स्मॉल बुकलेट जिसमें सारे सेफ्टी मेजर्स दिए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फ्लाइट अगर कल को इमरजेंसी में हो तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपके साथ बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो कैसे और क्या फ्लाइट सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने होते हैं. 29th वर्ड इज PSU, जिसको बोला जाता है पैसेंजर सर्विस यूनिट. हम बोलते हैं बटन दबा दो, राइट, जो एकदम हमारी सीट के ऊपर होता है हम कहते हैं बटन दबा दो क्रू आ जाएगी. सो डोंट से व्हेनेवर यू ट्रैवल नेक्स्ट टाइम, डोंट से बटन दबा दो. सो नाउ आफ्टर दिस वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज नोन एज PSU. ओके, सो PSU आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बटन होते हैं जहाँ पे आपका AC का बटन होता है और आपकी रीडिंग लाइट्स होती हैं इसमें. और एक बटन होता है टू कॉल द क्रू व्हेनेवर यू नीड समथिंग. लेट्स से यू नीड वाटर, जूस और समथिंग, यू कैन कॉल द क्रू एंड शी गेट द साइनेज व्हेरेवर शी इज सिटिंग दैट सो एंड सो सीट नंबर हैज कॉल्ड मी. सो दीज बटन्स आर कॉल्ड PSU. सो नेक्स्ट टाइम नो बटन्स, PSU. नेक्स्ट हमारा 30 वर्ड है IFE. तो हम जब ट्रैवल करते हैं एज ए नॉर्मल पैसेंजर हम कहते हैं टीवी, फ्लाइट का टीवी. नो, डोंट यूज दिस वर्ड्स अगेन.
It is not a TV. It is known as your IFE, which is known as in-flight entertainment. इसमें इट इज लाइक अ टीवी बट डू नॉट यूज दिस इन एविएशन वोकैबलरी. IFE मीन्स जिसमें आपकी मूवीज, आपके सॉन्ग्स, ये सब होते हैं. लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स पे आप इनको देख सकते हैं. इसके साथ एक आपके हेडफोन्स अटैच्ड होते हैं जिससे आप लगा के यू कैन यू नो किल योर टाइम फॉर द लॉन्ग हॉल फ्लाइट. नेक्स्ट इज योर रनवे. और रनवे इज समथिंग जिसपे आपका एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ करता है. इस एयरक्राफ्ट में अलग अलग मार्किंग्स होती हैं विच इज कैप्टन की टीचिंग्स और उसकी नॉलेज में होती हैं कि कैसे हमें टेक ऑफ करना है, कहाँ टेक ऑफ करना है, कब टेक ऑफ करना है. तो ये जो सारी मार्किंग्स होती हैं एज पर दोज इसको रनवे बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर कॉकपिट. कॉकपिट इज जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे के जो सेक्शन होते हैं उन्हें कैबिन बोला जाता है. फर्स्ट फर्स्ट कैबिन, बिजनेस क्लास कैबिन और इकोनॉमी कैबिन. लेकिन जो जहाँ पे कैप्टन बैठते हैं उन्हें कैबिन नहीं, उसे कॉकपिट बोला जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज योर कंट्रोल कॉलम. कंट्रोल कॉलम इज जब हम गाड़ी चलाते हैं हम अपनी गाड़ी के स्टेयरिंग को स्टेयरिंग कहते हैं. लेकिन फ्लाइट के स्टेयरिंग को स्टेयरिंग नहीं कहते, फ्लाइट के स्टेयरिंग को कंट्रोल कॉलम कहते हैं. योक, द अनदर वर्ड फॉर कंट्रोल कॉलम इज योक. सो दिस इज नॉट अ स्टेयरिंग फॉर द कैप्टन, दिस इज हिज कंट्रोल कॉलम. योर नेक्स्ट वर्ड इज मोशन सिकनेस. यू मस्ट हैव सीन बहुत लोगों को जब भी वो फ्लाइट पर ट्रेवल करते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है. मेनी पीपल आर वेरी एलर्जिक, वो इतनी हाई एल्टीट्यूड से फ्लाइट नहीं कर सकते. सो वट एवर यू नो, कोई किसी को उल्टी आ रही है, किसी को कान में दर्द हो रहा है या किसी को चक्कर आ रहे हैं, तो इन जितनी भी एलर्जीज या जो भी नेगेटिव फ्लाइंग के दौरान होता है उसको मोशन सिकनेस बोला जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज योर चेकलिस्ट. चेकलिस्ट इज समथिंग जो फर्स्ट ऑफिसर एंड द कमांडर ऑफ द फ्लाइट दे चेक दैट एवरीथिंग इज करेक्ट. ओके, सो बोथ the captains, first officer and the commander, they both have the same checklist and they tick. जैसे हम for example in a layman's language जब हम अपने घर का राशन लेने जाते हैं हम अपने घर से एक लिस्ट बना के जाते हैं, राइट. हम उसे चेकलिस्ट कहते हैं, हम उसे कहते हैं ग्रॉसरी आइटम. सो एविएशन वर्ल्ड में इस चीज को चेकलिस्ट बोला जाता है वेयर उनकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी होती है. फॉर एग्जाम्पल फ्यूल, how many passengers are on board, how many tons of cargo is there any animal on board. So all these things are there on their checklist which they make sure it is there before takeoff and landing. Okay. Our next word is takeoff. Okay. After all the procedure, jab flight land ko chhodti hai, use takeoff bola jata. लैंडिंग जब आप वापस अपने जहां से आपने अपनी जर्नी शुरू की होती है, जब आप वापस अपनी कंट्री अपनी सिटी में आते हैं, जब आपका एयरक्राफ्ट टच डाउन होता है रनवे पे, जब आपका एयरक्राफ्ट लैंड करता है उसे हम लैंडिंग कहते हैं. योर नेक्स्ट इज कन्वेयर बेल्ट. कन्वेयर बेल्ट इज जब हम आके अराइवल, जब हम लैंडिंग के बाद टर्मिनल बिल्डिंग में जाते हैं, अराइवल हॉल में जाते हैं, वहां पे अब हमें हमारा अब दिस इज द पॉइंट व्हेन वी डी यूनाइट विद आवर अराइवल. हम जो हमने अपना चेक इन बैग दिया होता है तो वो कहाँ आता है, वो आता है कन्वेयर बेल्ट पे. तो ये पिक्चर में जो आपको दिख रहा है इसको कन्वेयर बेल्ट कहते हैं. यहाँ पे आपका फ्लाइट नंबर, फ्लाइट का फ्लाइट कौन सी आपकी फ्लाइट है, नंबर, डेट, ये सब लिखा होता है. जब भी आप टर्मिनल बिल्डिंग में एंटर करते हैं आप अपनी फ्लाइट चेक करते हैं कि मेरी इस फ्लाइट का जो सामान है वो किस बेल्ट पे आ रहा है. तो जब भी आप अराइवल बिल्डिंग में पहुंचेंगे आप बहुत सारी कन्वेयर बेल्ट देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5. सो यू डोंट नो, तो आप स्क्रीन पे चेक करते हैं कि मेरी इस फ्लाइट का बैगेज कौन सी बेल्ट पे है. सो लेट्स से इट सेज बेल्ट नंबर 3, तो आप बेल्ट नंबर 3 पे जाके वेट करेंगे एंड देन स्लोली आपका बैगेज जो है यहाँ पे आना शुरू करता है. आप अपना बैग उठाते हैं एंड देन यू एग्जिट द एयरपोर्ट. योर नेक्स्ट वर्ड इज फिड्स. जैसे मैंने आपको बोला जो भी फ्लाइट इंफॉर्मेशन होती है हम स्क्रीन पे चेक करते हैं. तो एविएशन टर्मिनोलॉजी में स्क्रीन नहीं बोला जाता, इसको फिड्स बोला जाता है, जिसको हम फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम बोलते हैं. तो नेक्स्ट वर्ड इज
तो जो बेसिकली इंटरनेशनल फ्लाइट से होता है, जब भी आप कोई इंटरनेशनल फ्लाइट लेके वापस आ रहे होते हैं तो आपको मैंडेटरी होता है कि कस्टम पॉइंट क्लियर करना, सो दैट आपके पास कोई भी चीज हो डिक्लेयर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई टीवी लेके आ रहे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेके आ रहे हैं, तो यू नीड टू पे द टैक्स टू द कंट्री. और यहाँ पे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद यू एग्जिट द एयरपोर्ट. सो आई होप दीज आर ऑल दी 40 बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आई हैव समड अप. Now, I hope after this video, next time whenever you travel, you must be knowing कि इसको क्या कहते हैं. It will be easy for you, for all the first time travelers and for the students as well. Okay? I hope आपको हमारा video अच्छा लगा हो. If in case you have any doubts, my information is right there on the second page. You are very welcome to contact us. Thank you. My name is Vandika. Air Force Aviation Private.